नोएडा के सेक्टर थाना 58 पुलिस टीम ने फर्जी कॉल सेंटर का बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका के लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का नोएडा थाना 58 पुलिस टीम ने खुलासा कर दिया और नोएडा पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से 3 फरार अभियुक्तों की जॉन फर्स्ट के पुलिस अधिकारियों ने जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 27 लैपटॉप, 16 मोबाइल फ़ोन और 20 हेडफोन बरामद किए हैं। जॉन फर्स्ट के DCP राम बदन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपी अमेरिका के लोगों को बैंक खाते सीज करने के नाम पर ठगी का शिकार बनाते थे, जो कि फिलहाल अब नोएडा के सेक्टर 59 में फर्जी कॉल सेंटर खोलकर काम कर रहे थे, अमेरिका के लोगों के साथ ठगी करते थे। सेक्टर 58 थाना पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर खोलकर ठगी करने के वाले गिरोह का खुलासा किया है। स्त्री के थर्ड फ्लोर में एक बिल्डिंग थी सेक्टर 59 में, जिसमें हमें कल सूचना मिली थी कि इसमें एक कॉल सेंटर फर्जी चलाया जा रहा है। इस पर हमारी टीम जब वहां गई, इनका पूरा वेरिफिकेशन किया, तो उससे पता चला कि वास्तव में ये एक फेक कॉल सेंटर है, जो अमेरिकन नागरिक को एक पॉप कॉल भेज करके उनको ये बताते थे कि उनका खाता सीज हो गया है, और फिर खाता खोलने के नाम पर उनसे वैलेट में या बिटकॉइन में पैसा लेकर के तब ये खोलते थे। तो इस तरह से फ्रॉड करते थे। सर कब से चल रहा था कॉल सेंटर में ये? अभी लगभग 1 महीने से ही चल रहा था, और इसमें 3 महिलाओं सहित 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनसे 27 लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, राउटर आदि जितना इक्विपमेंट होता है। सर 1 महीना से पहले कहाँ चला रहे थे, अब तक कितनी ट्रांजेक्शन अकाउंट में देखी गई है? अभी तो ट्रांजेक्शन का हमें पता नहीं चल पाया है, चूँकि इसमें डिजिटल करेंसी में हो रहा है, इसके बारे में भी हम इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। पर अभी जो इन्होंने बताया कि इससे पहले मुंबई में कर रहे थे अकाउंट। कितने लोग गिरफ्तार हुए पूछताछ में? इसमें 15 लोग गिरफ्तार हुए। इससे पहले कितने समय से लगातार इस तरह से कॉल सेंटर काम कर रहे हैं आपकी पूछताछ में? अभी तो कई सेंटर इसमें काम कर रहे हैं जो ये बता रहे हैं, और हम इनका देखेंगे मुंबई से क्यों छोड़ के भागे, क्या कोई केस रजिस्टर या कैसा है, इस बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर मास्टरमाइंड कौन था इसका? इसमें ये नीतीश राणा है जो इसका मास्टरमाइंड। सर वेरीफाई कैसे हुआ, क्या किसी ने शिकायत पत्र? हाँ, इस पर हमें गोपनीय सूचना मिली थी कि साहब यहाँ एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है।